टीवी के पॉपुलर शो सीआईडी के फेड्रिक्स का किरदार निभाने वाले एक्टर दिनेश फडणीस के फैंस के लिए बुरी खबर है। दरअसल कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद दिनेश का निधन हो गया है। खबरें थी कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सीआईडी के कलाकारों और क्रू मेंबर्स ने हाल ही में उनकी कंडीशन को बताया था। खबर है कि टीवी के मशहूर सीरियल सीआईडी की पूरी स्टार कास्ट और क्रू मेंबर दिनेश फडणीस का हालचाल लेने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। रिपोर्ट्स के माने तो 57 साल के दिनेश फडणीस को उनके घर पर 2 दिसंबर को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें मुंबई के तुंगा अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि दिनेश फडणीस कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे, लेकिन उनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई थी और आखिरकार डॉक्टर सुने नहीं बचा पाए। आपको बता दें कि दिनेश फडणीस सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते थे। वो अक्सर अपनी फोटोज और कॉमेडी वीडियो को लेकर फैंस के बीच चर्चा में बने रहते थे। दिनेश फडणीस ने साल 1998 से 2018 तक टीवी के पॉपुलर शो सीआईडी में काम किया है। उन्होंने शो में बतौर फ्रेडनिक्स बनकर दर्शकों के दिलों में राज किया। इसके अलावा उन्होंने आमिर खान के साथ फिल्म सरफरोश और ऋतिक रोशन के साथ सुपर 30 मूवी में भी काम किया है। हालांकि उन्हें सीआईडी शो से ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।